अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह से दिल से ये दुआ करूंगी, अल्लाह पाक आप सबकी दुआएं सारी कबूल हो, जायज दुआएं कबूल हो, और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज आप सोच रहे होंगे मैं बुरखा ओढ़ के मैं कहाँ जा रही हूँ। बुरखा ओढ़ के मैं जा रही हूँ आज भाई के घर दावत करिए भाई ने और भाभी ने। और रात को मेरे पास कॉल आई थी, लेकिन क्या हुआ कि हमारा वाईफाई का रिचार्ज हुआ हुआ नहीं था, तो इस बारे मुझे पता नहीं चला। आज सुबह में जब कॉल आई है तो कॉल पे कॉल तो सब इतना गुस्सा कर रहे हैं कि फोन नहीं उठाती है वो। फिर मैंने बताया कि हाँ वाईफाई का कुछ मसला हुआ था, तो इस बारे बात नहीं हो पाई। तो फाइनली अब मैं जा रही हूँ, लेकिन अभी मैं सीधी जाऊंगी बाजी के घर से जाऊंगी मैं फिर भाई के घर शाम को दावत में 5 बजे। अभी तो मैं जाऊंगी बाजी के घर, मुझे कुछ काम है। भाई और भाभी ने दावत करी, इतनी ज्यादा खुशी होती है, अल्लाह पाक भाई भाभी ऐसे सबको दें। सच मेरा मेकअप इतना अच्छा है ना, मुझे बहुत ज्यादा, मैं अपने आप में मुझे ऐसा लगता है मैं ज्यादा बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसा मेकअप मिला है, मुझे ऐसे बहन भाई मिले हैं। और भाई तो इतना अच्छे मिले हैं कि बस बेस्ट से भी बेस्ट भाई है मेरे। बस अल्लाह पाक मेरे भाई और भाभी को लंबी उम्र दे, जोड़ी बनाए रखे भाई भाभी की भी, और अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे, उनके बच्चों को तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, और उनकी हर तकलीफ दूर करे मेरा मालिक। मैं अपने भाई को पता है जितनी मैं दुआ दूं उतनी कम है। और मैं सच बताऊं, शायद ही कोई ऐसा दिन जाता होगा जब अपने भाई भाभी को या अपने घर के लिए कोई दुआ ना निकले मेरे दिल से। हमेशा मेरे दिल से दुआ निकलती है। तो अभी मैं जाऊंगी भाई के घर, सॉरी अभी नहीं, 5 बजे जाऊंगी, अभी मैं जाऊंगी बाजी के घर, क्योंकि बाजी का मुझे काम है। अभी हम मिलेंगे बाद में बाजी के घर। यहाँ पर हम तैयार हो रहे हैं भाई के घर जाने के लिए दावत में, और अभी फेस तो सो रहे हैं, फेस जी सो रहे हैं। अभी जब फेस उठेंगे तो फिर हम जाएंगे। अभी हम पूरा तैयार हो गए, अभी थोड़ा सा और टचअप करना बाकी है हमारा। अभी तो हम एसी में तैयार हो रहे हैं, अभी देखो तैयार होकर हम बाहर गर्मी में जाएंगे तो हमारा क्या हाल होता है या नहीं होता है, क्योंकि बाहर इस टाइम बहुत गर्मी है आज। ये पूरा हम कम्प्लीट तैयार हो गई हूँ मैं, और ये रहा मेरा सूट बड़ा ही अच्छा लग रहा है मेरा। फेस उठ जाओ, चलो चलना मामू के घर। फेस तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, ऐसे सो रहे हैं गधे बेच के। और लाइवा हमारी तैयार हो रही है, बार बार मुंह धो जा रही है लाइवा को, पता नहीं क्या हो गया। और ये है मेरा पर्स, जो मेरा फेवरेट पर्स है, मुझे ये वाला पर्स बहुत ज्यादा अच्छा लगता है अपना। चलो लाइवा चलिए। पर्स मेरा कैसा लग रहा है जरूर बताया आप मुझे। मुझे ये मेरा फेवरेट पर्स है, मुझे ये वाला पर्स बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये बिल्कुल हाथ में जब मैं रखती हूँ ना बहुत ज्यादा हल्का लगता है मुझे। और ये आ गई मेरी फेवरेट डॉल, मुझे ये डॉल बहुत ज्यादा पसंद है। हाय डॉल, कैसी हो? फेस भाई को उठाओ जल्दी से, बंद कर दे, बंद कर दे। फेस भाई को उठाओ। और ये मैंने पहन लिया बुरखा, अब हम जा रहे हैं, लोक लगा के आ जाओ बाजी। आ गए हम भाई के घर पे, अब हम भाई के घर पे खाएंगे नाश्ता, नाश्ते पे हम टूट पड़ेंगे। और ये भाभी ने बनाए घर में समोसे, इतने मजेदार बनाए भाभी समोसे, तो बहुत बढ़िया बनाए वाकई, बिल्कुल ऐसा लग रहा है बाजार के हो। और ये साथ में बनाइए चाय, और ये लाइबा जल्दी जल्दी खा रही है, लाइबा आराम से गर्म हो रहा है। एक समोसा मैं भी ले लूं, बच्चे निपटा देंगे वरना। समोसा तो भाभी ने बहुत ज्यादा बड़ा बनाया है, वरना छोटे होते हैं, लेकिन मुझे तो यही वाला समोसा अच्छा लग रहा है, काफी बड़ा समोसा है। बिस्मिल्ला, हमारी भाभी जानना आज क्या क्या बनाया खाना खाने में। माशाल्लाह ये बनाया इन्होंने कोरमा, और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। और इस वाले भगोने में देखते हैं, ये तो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, इधर बन रहा है जर्दा, और माशाल्लाह जर्दे की भी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है।
और भाभी जरदा बहुत अच्छा बनाती है हमारी। थोड़ा सा टेस्ट करके देखती हूँ कैसा हो रहा है। बहुत बढ़िया बना हुआ माशाल्लाह। और इसमें देखते हैं इसमें क्या बनाया है भाभी ने। इसमें माशाल्लाह धुआं निकल रहा है। ओहो माशाल्लाह। और थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। भाभी ज़्यादा बहुत अच्छा बनाती है हमारी। बादाम निकाल के खा के देखती हूँ कैसा लग रहा। बढ़िया लग रहा माशाल्लाह। काले भगोने की बारी है। माशाल्लाह ये भी बहुत बढ़िया बनाया है भाभी ने। भाभी को हमारी यहाँ माशाल्लाह सब खाना बनाने में एक्सपर्ट है माशाल्लाह, छोटे से लेके बड़े तक। और यहाँ बच्चे चीज़ खा रहे हैं, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। और शोर जी भी आ गए हैं। शोर जी को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और ये दिया हमारा भाभी का शूकेश। और ये फोटो जो है ये हमारे अब्बू का है। और ये भाभी का, ये भाभी का रूम है। रूम बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह से। और ये दिया टुकड़ा। टुकड़ा माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। भाई को सिंगरियों का बहुत ज़्यादा शौक है। और भाभी को भी ये जामुन से लेकर आए थे भाई हमारे। ये देखो ये इतना बड़ा ये नींबू है। ये हमारी भाभी के गांव का है। इतना बड़ा नींबू भाभी मेरे घर पे भेजना। ये मैंने डाला इतना बड़ा नींबू, पूरा हाथ मारा मौसम्मी की तरह। और ये बैठे हमारे भांजे। भांजे को बहुत ही ज्यादा मोहब्बत है। और कभी खालों को भी घुमाने चले जाया करा करो। और कोरमा तो बहुत मजेदार सा है माशाल्लाह से। और ये बाजी क्या हो रहा है भाई, मेरी प्लेट से क्यों ले जा रही हो तुम? बिस्मिल्लाह। वाह भाई कोरमा बहुत ही ज्यादा मजे का बना। चोर कैसा बना? मामी ने बहुत अच्छा बनाया वाकई माशाल्लाह से। और ये हमारे छोटे बच्चे हैं, इसका नाम चिंपैंजी है। और ये मेरी भतीजा बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी डोल सी। खोया मत निकालना, एक साइड से निकालो। हमारे खाली तो बताओ ये कैसी खाला है, कह रही है खोया नहीं निकाल। बेटा बेटा खोया निकाल तू, मेरे बच्चे आठ नलियां खा चुके। आठ नली खा चुके भाई, आठ रोटी खा चुके। अच्छा आठ रोटी खा चुके, दो नलियां, दो नलियां, दो तेरी नली खाई होंगी। जर्दा देखो पूरी पूरी ट्रे उतार ली उन्होंने तो एक ही बारी में। पापा का काम कर लिया, खुद ही ला रहा, खुद ही पी रहे हो? पीली वाली पी रहे हमारे यहाँ में खा लू चार कोल्ड ड्रिंक के गिलास। अरे कोल्ड ड्रिंक दे दियो, ठंडी बर्फ डाल के आलिया। चौथा गिलास है, बर्फ डाल के। अच्छा प्यार दे रही हो, आधा खोया अपने में ही डाल लिया तुमने। गाड़ी पे छोड़ कर चल, खा लो चल गाड़ी पे। ये ऐसे भांजे काम में नहीं आते मेरे, तुम्हें गोदों में खिलाया। बिल्कुल अभी अभी मैं घर पे पहुंची हूँ। और इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है और चौथी मंजिल पे आना बड़ा ही भारी लगता है। लेकिन आज इतना हमने मजा करा, एंजॉय करा, बहुत ही मजा आया, बहुत ही अच्छा लगा। मैं के जाकर इतनी ज्यादा खुशी होती है दिल को कि वाकई दिल बाग बाग हो जाता है। अल्लाह ताला बस मेरे भाई और मेरे भाई की फैमिली को चैन सुकून दे और उनको तंदुरुस्ती दे, उनको सेहत दे और उनकी हर तकलीफ दूर करे अल्लाह पाक। और आप सबकी दुआएं तो है मेरे साथ में। और आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।